नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षक जल प्रतापों के लिए प्रसिद्ध झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल अब गुलजार होने को हैं। नए साल के आगमन पर बेतला, नेतरहाट, पतरातु घाटी पर्यटकों की पहली पसंद है। प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षक जल प्रतापों के लिए प्रसिद्ध झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होने जा रहे हैं। कोविड की वजह से भी पर्यटक घरेलू पर्यटक स्थलों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए पर्यटकों की पहली पसंद बेतला, नेतरहाट और पतरातु घाटी है। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक प्राकृतिक सौंदर्य और वाटरफॉल्स की अधिकता के कारण झारखंड के लगभग सभी स्थानों पर लोग भ्रमण करते हैं, लेकिन पर्यटकों का सबसे अधिक आगमन बेतला राष्ट्रीय उद्यान, नेतरहाट और पतरातु घाटी में होता है। एक ओर जहां बेतला राष्ट्रीय उद्यान अपनी खूबसूरती और जंगली हाथियों के लिए सबसे अधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वहीं सनराइज और सनसेट पॉइंट का आकर्षण पर्यटकों को लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट खींच कर ले आता है। इधर रामगढ़ जिले में स्थित पतरातु खूबसूरत घाटी के तौर पर जानी जाती है। हरे भरे जंगलों से घिरा ये पहाड़ी स्थल घुमावदार सड़कों की वजह से भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। 29 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य ज्यादा भीड़ बढ़ने की संभावना को व्यक्त की जा रही है। बुकिंग स्टेटस को देखते हुए ऑपरेटर्स जनवरी तक इन राज्यों से लगभग 50,000 पर्यटकों के आगमन की उम्मीद जता रहे हैं। करीब होने के कारण सबसे अधिक बंगाल से लोग आ रहे हैं, तो आप भी कुछ दिन गुजारिए झारखंड में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।